बार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉन्टेड स्कूल की, जो कि राजस्थान में। द रियल वन की टीम ने शुरुआत की, और इससे पहले भी जो है इस हॉन्टेड स्कूल का जो है एक पूर्ण विवरण वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया है। मैं आज इस वीडियो को शुरुआत से अगर उठाऊंगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वीडियो भी लंबा जो है हो जाएगा। हिम्मत को जो है दाद देनी पड़ेगी। साथ में ये ना मीटर वगैरह लेकर के आता है और वहां पर कुछ लोगों को सीन कट हो जाता है। ये अनकट यहाँ पर नहीं था, वहां पर सीन आपका कट हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी बहुत दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ आप सबके समक्ष। कुछ निजी परेशानियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे दरमियान आ गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मेरा ये वीडियो। और मुद्दा कुछ ऐसा है कि भाई ये टॉपिक काफ़ी समय से जो है पॉपुलर रहा है और शायद आगे भी ये काफ़ी पॉपुलर ही रहेगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो है मतलब इतने बार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉन्टेड स्कूल की, जो कि राजस्थान में है और जिस पर द रियल वन की टीम ने शुरुआत की, और वो इस तरीके की शुरुआत की कि उसके उनको पार्ट बनाने पड़े और हर पार्ट में भी जो है कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए, यानी कि जो हम और आप सब्सक्राइबर उनके हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ संशय रह ही गया वहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ बाकी रह गया, कुछ सवालात जो आज भी खड़े हैं और शायद आगे भी खड़े रहेंगे। मैंने इससे पहले भी जो है इस हॉन्टेड स्कूल का जो है एक पूर्ण विवरण वाला वीडियो आप लोगों तक पहुँचाया है, और उससे पहले भी दो पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये मेरा भी जो है चौथा पार्ट है, तो वर्जन चेंज हो रहे हैं भाई, वहाँ पर जाना बंद नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, मैं क्या लेकर के आया हूँ इस पे। भाई आप लोगों के कमेंट मेरे पास आए कि दीपक भाई वहाँ पर गए हैं अकेले फिर से, तो आप लोग बोल रहे हो कि मैं कुछ इस पे तर्क वितर्क अपना रखूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप तक कुछ जानकारी पहुँचा सकूँ, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रहा है, तो वो मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं क्या इस पे। मैं आज इस वीडियो को शुरुआत से अगर उठाऊंगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वीडियो भी लंबा जो है हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बहुत ही कम शब्दों में अपना जो है तर्क वितर्क जो भी एनालिसिस है इसका इस बारे में, तो वो आप तक बहुत ही कम शब्दों में पहुँचाऊँ। हालाँकि मेरी जो इच्छा थी वो तो ये थी कि मैं इसको डिटेल्ड आपको बताऊँ, चूँकि और भी कुछ नए हमारे भाई लोग होंगे, उनको कुछ जानकारियाँ इससे संबंधित हो सकता है अभी ना पूरी तरह से जानकारी उनको ना, और उनकी नज़र में एक कॉमन हॉन्टेड लोकेशन ही हो, लेकिन क्या हुआ इस लोकेशन के साथ, क्या हुआ इस हॉन्टेड स्कूल के साथ, अब तक कितने वाक्य हुए, क्या क्या बातें हुई, वो उनको नहीं पता होंगी, तो मैं एक बार जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ, फिर आगे अपना जो है तर्क और वितर्क दोनों रखता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे नए भाई लोग जो भी हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े या उनके चैनल से जुड़े कोई भी हो, जो भी नए लोग हैं इस हॉन्टेड स्कूल के बारे में, उनको मैं बता दूं कि ये एक हॉन्टेड स्कूल जो कि राजस्थान पे है, जिसकी लोकेशन जो अभी तक मेरे को भी पूरी तरह नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और वहाँ पर द रियल वन टीम जाती है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करती है, एक्सप्लोर करती है अपने हिसाब से। तो क्या होता है कि हम लोगों को जब हम लोग वो वीडियो देखते हैं उनका, तो हम लोगों को संशय होता है, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले आते हैं और पब्लिक जो हम और आप सब्सक्राइबर हैं उनसे सवाल करते हैं कि भाई ये है। उनको उस वीडियो में एक्चुअली क्या, उनके पहले वीडियो में कि बाथरूम के पास, उस स्कूल के बाथरूम के पास बच्चों के रोने की या प्रार्थना करने जैसी कुछ आवाज़ें आई हैं, या बच्चे कुछ बोल रहे हैं चीखने चिल्लाने की, इस तरह की आवाज़ें आईं, ये पब्लिक ने बोला, हम और आपने बोला। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को
दोबारा यहाँ पर जाना पड़ा और इन्वेस्टिगेट इन्होंने मतलब इन लोगों ने क्या, मैं फिर दीपक भाई अकेले गए वहाँ पर, उन्होंने अपना कैमरा वैमरा सेटअप लगा करके फिर से हम लोगों को एक वीडियो दिया और वहाँ पर भी यही हुआ कि वो वीडियो उनका कंप्लीट होने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो हमने आपने सब लोगों ने उनसे जो है फिर से निवेदन किया इस चीज़ का कि भाई इस बार भी कुछ ना कुछ हरकत हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा कैमरे का मेमोरी कार्ड वगैरह ख़राब हो गया, आगे का शूट नहीं हो पाया, अधूरा उन्होंने वीडियो दिया। तीसरी बात, द रियल वन टीम फिर से वहाँ पर जाती है और एक्सप्लोर करती है हर तरीके से, ऊपर नीचे छत पर भी जाते हैं और दिखाते हैं, तो उनका काम है भाई दिखाना और उन्होंने अपना काम पूर्ण कर लिया, लेकिन जनता है वो कभी भी मानती नहीं, अगर उसके अंदर कुछ संशय है तो वो ज़रूर रखती है। तो वो फिर से अपना तीसरी बार भी शूट करके आ गए, कोई बात नहीं, फिर से सवाल आज जिंदा है कि भाई पब्लिक है कुछ ना कुछ बोलते हैं लोग, बोला करते हैं, तो मेरे को तो फिलहाल तीसरी बार में कोई प्रॉब्लम उनके समझ में नहीं आई, मैं वहाँ पर संतुष्ट हो गया था, लेकिन मैंने देखा कि और भी कुछ लोग हैं जिनके सवाल हैं, तो वो भी लाजमी भाई सबकी अपनी बात होती है, अपने तर्क वितर्क होते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि उसके बाद द रियल वन टीम बट गई, जैसा कि हम और आप दोनों लोग जानते हैं कि वो दोनों भाई बट गए अपने अपने चैनल पे, वो लोग अलग अलग काम करने लगे, तो जो दूसरा वाला भाई यानी कि सागर तिवारी वो यहाँ पर अकेले आता है और अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करता है और साथ में EMF मीटर वगैरह लेकर के आता है, और वहाँ पर कुछ लोगों को इस बार भी जो है दिखाई दिया और उनके मीटर में इवन लाइट वगैरह भी ब्लिंक करी और कुछ लोगों ने तो अलग अलग तरह के तर्क भी दिए। मैंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे जो मेरा वहाँ पर सोचना था कि मेरा आप पिछला वीडियो उठा करके देख सकते हो वांटेड स्कूल का, तो मैंने उनसे कुछ सवाल रखे हैं, हालांकि उसके जवाब अब तक उन्होंने दिए नहीं हैं, पर वो ना दें या दें इससे कोई मैटर भी नहीं है, मेरा काम था तो वो मैंने अपना किया और जवाब मिल जाना ही अच्छा होता है। आज की डेट में अब इस बार मिस्टर दीपक वर्मा जो कि फिर से बेड़ा उठाए हैं चौथी बार जाने का, तो भाई मैं यहाँ सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एक तो दोनों भाइयों के लिए कि अगर वहाँ पर कुछ है या नहीं भी है वो किनारे रखते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों भाइयों के भाई हिम्मत को जो है दाद देनी पड़ेगी। उसका मैटर ये है कि यार पहली चीज़ तो कितना मेहनत लगती होगी दो दो चार चार बार एक ही लोकेशन को कवर करने में, और पब्लिक कहती है तो जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ जाना ही सब कुछ नहीं होता, किस तरह आदमी जाता है, कैसे यार समय निकालता है, क्या करता है, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ हिम्मत को और उनके जो है जज्बे को भी जो है कहना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि भाई वहाँ अगर कुछ वाकई में भी है, अगर ऐसा है पब्लिक को लगता है और वहाँ पर ये लोग खड़े हैं तो एक बड़ी बात है। अब ये अलग मुद्दा है कि वो उसको फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या करने के बावजूद भी हम तक वो बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये अलग मैटर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दीपक भाई की तरफ और इस बार क्या हुआ है वहाँ पर, क्या महसूस हुआ है, ये कभी बंद नहीं होगा राजस्थान हॉन्टेड स्कूल का मुद्दा, और ये पॉपुलर दिन पर दिन होता जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इस बार कि भाई ये पॉपुलर जो हुआ है शायद कहीं ना कहीं उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरुआत से लेके अब तक, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों ही भाई अब तक बहुत सारी लोकेशंस पे गए हैं, पर किसी भी जगह को दो तीन बार नहीं मांगा गया, या सबसे ज़्यादा किसी भी लोकेशन की जिद नहीं की गई कि मतलब यहाँ कुछ था ही था तो यहाँ दोबारा जाओ, या सिर्फ इस स्कूल की वो उसकी वजह ये हुई कि जब ये लोग पहली बार गए थे उसी समय मैंने अपना फर्स्ट एनालिसिस दे दिया था, जिसकी वजह से जो पब्लिक इनको भी देखा मेरे एनालिसिस को भी देखा, तो एक होता है ना कि यार कुछ कहीं कुछ अगर होता है और दो जगह एक ही तरह की बात हो जाती है तो फिर पब्लिक में वो आ जाता है यार ज़रूर कुछ है, तो मैंने अपना एनालिसिस दिया जो आदमी ने देखा, तो फिर वो इन लोगों के चैनल पे जा जा करके बोलने लगे कि भाई कुछ ना कुछ तो है, वो अगला आदमी जो है एनालिसिस कर रहा कुछ ना कुछ तो है। फिर उसके बाद दोबारा ये लोग गए, फिर से मैंने एनालिसिस किया, तिबारा गए फिर किया, तो दो दो तीन तीन बार मैंने भी जो है कम पॉपुलर इस स्कूल को हॉन्टेड स्कूल को हॉन्टेड नहीं बनाया, मैंने सिर्फ अपना तर्क दिया और वो मैं आगे भी देता रहूँगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो है एक स्कूल एक मुद्दा बन के रह गया है ये हॉन्टेड, ये इसकी ज़्यादा मतलब डिमांड हो गई है और पॉपुलर होता चला गया है। तो चलिए देर ना करते हुए दीपक भाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं जो कि मुझे इस बार फिर से महसूस हुए हैं और वो सच है, और मैं लास्ट में बताऊँगा कि इसका पूरा ओवरऑल मेरा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते दीपक भाई,
9:34 के टाइम पे जो आपके वीडियो का टाइम है इस पे आप कह रहे हो कुछ, मतलब आपने कुछ इक्विपमेंट वगैरह जो आप लाए हो वो लगाए हैं और सेटअप किए हैं, तो आपने बोला ये ऐसा ऐसा इसलिए किया है कि ताकि जो एनर्जी है वो कैच हो सके और उस जगह पर आपका सीन कट हो जाता है। ठीक है, ये अनकट यहाँ पर नहीं था, वहाँ पर सीन आपका कट हो जाता है। तो क्या हुआ था, एक वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सीन काटना पड़ गया ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसी हालत दिख नहीं रही थी कि सीन काटने की कोई ज़रूरत हो, तो सीन कटा और उसमें रियल एक्टिविटी कैच हो सके। उसके बाद 11:42 का जो टाइमिंग है, इस जगह खटपट जैसी कुछ आवाज़ आती है और जैसे कुछ लोग जीना चढ़ते उतरते हैं। तो क्या आपके अलावा वहाँ और भी कुछ लोग थे, आपके दोस्त यार गए थे या फिर नहीं गए थे या नहीं थे आपके साथ कुछ लोग, तो ये खटपट की आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये इस तरीके की कुछ आवाज़ है प्रतीत हो रही है जैसा कि बहुत से लोग कोई जीना चढ़ उतर रहे हो किसी खाली बिल्डिंग में। इससे ज़्यादा मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकता, सॉरी, क्योंकि काम नहीं है ना मेरा काम है। तो खटपट वो जीने चढ़ने जैसी आवाज़ या कुछ होता नहीं, किसी बिल्डिंग में एक साथ कई लोग उतरते हैं, चार या पांच लोग चढ़ते हैं, दो से तीन लोग, उस तरह की कुछ आवाज़ आप लोग इस टाइमिंग पे देख सकते हो जाकर के। आगे बढ़ते हैं 13:12 की टाइमिंग पे और अब मैं तो कर्ज का जो है यहाँ पर गुनगुना रहा हूँ, लेकिन कुछ गाने की जो है यहाँ पर कुछ हमिंग, आपने उसको हमिंग नाम दिया, हालांकि कोई हिनहिना नहीं रहा वहाँ पर, कोई वाकई गुनगुना रहा है। तो वो कौन है, वो क्या है, इसको बताओ भाई। बहुत दूर से कहीं हमिंग की आवाज़ आ रही है और बताना चाहिए, तो कुछ तो है, समथिंग इज देयर इन हॉन्टेड स्कूल। और उसके बाद 13:22 की टाइमिंग पे आप लोग गौर करना, 13:22। और आपको बता दूं, मैं जितना भी कुछ बता रहा हूँ ये आपको नॉर्मल आप सुनोगे वीडियो देखोगे तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी एक चीज़ सुनाई नहीं देगी, हो सकता है कुछ भी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग कान में ईयरफोन वगैरह अच्छे क्वालिटी के, नहीं भी होंगे तो कोई भी लगा लीजिए, कान में ईयरफोन होंगे तो बेहतर आपको ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैंने नोट किए हैं पॉइंट। तो ईयरफोन लगा करके जो है आगे फिर मैं पॉइंट और भी बताता हूँ आपको, ईयरफोन जरूर लगाना भाई अगर इन पॉइंटों पे गौर करना है। 13:12 का टाइमिंग जो है, सॉरी 13:22 का टाइमिंग जो है, 13:22 का टाइमिंग जो है, अब गौर करना, एक ऐसी वॉइस आपको सुनाई देगी जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं। तो इट मीन्स क्या आज भी क्लास पे बच्चे बैठे शोर मचा रहे हैं, या वो बच्चे हैं या नहीं हैं, ये मैं नहीं कह रहा यार कि वो हैं ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। आप गौर करना इस टाइमिंग पे कि बच्चों की आवाज़ आज भी आ रही है पीछे से, 13:22 की टाइमिंग पे क्लास में बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं ना वो शोर मचाते हैं, या ईस्ट इंडिया आपने देखी होगी, कैलेंडर खाना दो कैलेंडर समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप देखो और देखना जरूर उसको, दो तीन बार रिपीट करके देखना, आपको वॉइस मिलेगी यार बच्चों की, बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 13:42 का टाइमिंग जो है उस पर तो क्लियर कोई बच्चा मतलब बच्चों की आवाज आई है क्लियर, 13:42। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14:36 ये फिर से बच्चे, तो बच्चों की आवाज़ आ रही है भाई, अब की बार क्यों आ रही है, इधर दो बार नहीं आई, एक बार मीटर में लाइट जली, तो ये सब हो रहा है भाई, ऐसे नहीं हॉन्टेड स्कूल जो है वो, मैं हॉन्टेड नहीं कहना चाहता यार किसी भी बिल्डिंग को, बदनाम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब आपने नाम दे दिया है तो पीछे से मैं चालू हूँ। 14:55 का ये जो है आप देखो ये क्या आवाज़ है भाई, इसको भी आप देख लो,
आवाज़ क्लियर है, बस ये है कि थोड़ा दो तीन बार आपको रिपीट करके उसको आप बहुत लो स्पीड पे चला के देखना और फिर से सुनना। भाई थोड़ा घूमते हैं, मैंने जो है सामने, उसके बाद 15:11 की जो टाइमिंग है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आप इस टाइमिंग पे आप बता रहे हो कि मैंने वहाँ पर मोशन सेंसर रखा है, उसके बाद अंदर आप चले जाते हो और मोशन सेंसर दिखाने जाते हो, जाते हो अंदर अंधेरे में जाके गायब हो जाते हो, मोशन सेंसर के पास तक हम लोगों को नहीं ले गए, दिखाया नहीं, और वहाँ भी सीन कट हो गया। तो अंधेरे में जाने के बाद क्या हुआ, कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, मैं ये नहीं, मैं मतलब अपना तर्क दे रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती का नहीं बता रहा हूँ कि यार वहाँ भूति होगा, ये सब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ होगा कुछ कि नहीं होगा। ये सब मोशन सेंसर प्लेस कर दिया था ताकि मुझे दूर से ही वो दिख जाए, मेन जो आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट पे बात करते हैं। बात ये है कि आप इस वीडियो में बोल रहे हो कि आपका मेमोरी कार्ड जो है आपके एक मित्र के पास, जिसका आप नाम नहीं ले रहे हो, कोई भी हो सकता है, उनके पास था और वो उन्होंने जेब में रखा था और ख़राब हो गया। तो भाई जहाँ तक मुझे याद है कि पिछली बार आप अकेले गए थे, जब जिस मेमोरी कार्ड ख़राब होने के बात आप कर रहे हो, तो उस वक्त तो आप अकेले गए थे और कैमरा वगैरह सेटअप आपने वहाँ स्वयं अकेले ही किया था, तो जाहिर है कि वापसी में आते वक्त मेमोरी कार्ड भी अपनी जेब में ही रखा होगा। तो क्या उस वक्त वो दोस्त साथ में थे? अगर थे तो फिर वो पूरा मसला आपने बताया नहीं पिछले वीडियो में भी, तो वो क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करो भाई। सेकंड वीडियो में किसी रीज़न से एक मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, जो हमारे साथ जो बंदा था उसने अपनी वो जेब में रख लिया था और वो मुड़ गया था। अब बात दूसरी करते हैं, एक पॉइंट और बताते हैं आपको कि आप कह रहे हो कि लकड़ी का जो है कुछ काम चल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये कौन सा टाइम है जो लकड़ी का काम हो रहा है इस वक्त और आवाज़ें आ रही हैं, और लकड़ी के काम में लकड़ी की आवाज़ें आएगी, बच्चों की आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए ना, पर बच्चों की आ रही है, सुनी जा सकती है। और पिछली बार आपने बोला था कि जो है लेबर के, मतलब पीछे कुछ लेबर वगैरह के बच्चे हैं, कुछ मतलब मजदूर वगैरह, मजदूरों के बच्चे हैं, उनके शोर आ रहा है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये 12 बजे या 1-2 बजे का वीडियो है या 7-8-9 बजे का है, क्या है? मजदूर के बच्चे रात में इतनी देर रात तक क्यों खेलेंगे, क्यों आवाज़ करेंगे, पेचीदा मामला है। पिछली वाली जो फर्स्ट मेरी वीडियो थी उसमें जो बच्चों की आवाज़ आई थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि जो वो बच्चों की आवाज़ थी वो जब ये स्कूल में थोड़ा बहुत काम चल रहा था तो नीचे जो थे वो लेबर के बच्चे थे, उनकी आवाज़ थी। उसके बाद इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे आते हैं, जो कि मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने नोटिफाई कर रखे थे और सवाल लाजमी उठाए हैं। 17:31 ये जो टाइमिंग है, इस पर आपके ठीक सामने से एक शेडो निकल करके जाती है। मेरी समझ में नहीं आई ये शेडो क्या हो सकती है, और मैंने बहुत सारा दिमाग लगाया कि हो सकता है यार कोई निकला होगा कैमरे के सामने से, फिर दिमाग में ये भी आया कि कैमरे के सामने से कोई निकलेगा तो फिर कैमरा कौन पकड़े हुए, जो फोकस लाइट वगैरह आपकी LED लाइट है वो कौन पकड़े, तो क्या तीसरा कोई था, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग 2 लोग हो। फिर दिमाग में ये भी आया यार लाइट के सामने से कोई निकलेगा, भाई कैमरे की लाइट जो है वो इस तरह से, ये मैं दिखा, आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब मालूम देगी, तो मेरी शेडो होगी इस वक्त वो पीछे की तरफ पड़ेगी जा करके ना, ठीक है, मैं लाइट लिए हूँ। तो ऐसे प्रूफ के साथ आपको एग्जैक्ट
वो कैसे हो सकता है भाई, वो शैडो किसकी है, कहाँ से आई, कैसे आई, ये इस बारे में थोड़ा सा बताओ भाई दीपक भाई, अपने नेक्स्ट वीडियो में बताओ। और आखिरी बात आपसे बोलता हूँ यहाँ पर कि दोनों ही लोगों ने दूसरी बार जितना भी एक्सप्लोर किया इस स्कूल को तो कवर सिर्फ छोटी सी जगहों को ही किया, एक बाथरूम ले दे के दो कमरे और गैलरी, ऊपर क्यों नहीं गए। जो पहली बार आप लोगों ने जा कर के हमारे भारत देश के जो गौरव जो है हमारा फ्लैग उसको जो है सम्मान दिया था, वहाँ तक भी तो जाना चाहिए था। हम लोग देखते यार वहाँ छत पे क्या है क्या नहीं, वो छत पर इस बार आप लोग दोनों ही लोग नहीं गए तो जाना चाहिए था। ये कोई मुद्दा नहीं है कि छत पे कोई होगा, छत पे तो हमारा नेशनल फ्लैग है और जाना चाहिए था वहाँ छत पे, बस छत की तरफ आप लोग नहीं बढ़े, ये एक अलग वो है, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो अब मैं अपने ओवरऑल मसले पे आता हूँ, मतलब मसला नहीं ओवरऑल बताता हूँ कि इस वीडियो का तर्क और वितर्क करने के बाद मैंने निष्कर्ष क्या निकाला। तो भाई निष्कर्ष ये निकलता है, या मैं मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई है या नहीं है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है यार, आप लोग जो डिमांड करते हो किसी से भी 10 बार जाने की 20 बार जाने की, देखो भाई वहाँ कोई अगर है भी तो ये लोग जा करके उसको वहाँ पे वहाँ से हटा नहीं देंगे। ये भी क्रिएटर हैं, ठीक है, भगवान नहीं है और कोई शक्तिमान भी नहीं है कि वहाँ जा गए और उस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया। इनका काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं यार मेहनत करके जाते हैं। सोच के देखो कभी कि दो दो तीन तीन बार वहाँ जाना यार, गर्मी में आदमी वहाँ पर शूट कर रहा है। मोटी बात आप लोग केवल ये सोचो कितनी हिम्मत की बात है वहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोग ये भी जानते हो कि वहाँ कोई है भी, बच्चे हैं या वाकई में एक्टिविटी वहाँ होती है, तो क्या यार ये काफ़ी नहीं है कि उस एक्टिविटी के बावजूद भी ये लोग वहाँ खड़े होकर के शूट कर रहे हैं? क्या ज़रूरी है कि ये, और वो कब कह रहे हैं आपसे कि हम जो है यहाँ पर मतलब झूठ नहीं दिखा रहे या सच्ची दिखा रहे ये वो? यार वो सच्ची तो दिखा रहे हैं, जो उन्होंने फील किया उस फील के बावजूद ही सिर्फ, अगर ऐसा है आप लोगों के हिसाब से कि वो यार फील कर रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं बता रहे, तो यार क्या कहें, वो ज़बरदस्ती का बोल दे क्या कि यहाँ भूत है यहाँ पर? तो आई थिंक कि वो नहीं बोल रहे हैं तो एक अच्छी बात है, और अगर वहाँ पर कुछ है भी और उसके बावजूद भी नहीं बोल रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, क्यों उस बिल्डिंग को बदनाम करना भाई? मोटी बात ये नहीं है आपको, आपको ये अच्छा ही नहीं दिखाई देगी यार कि उनके जाने के बावजूद भी वहाँ पर अगर कुछ ऐसा वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं, मान लो मैं ही अगर वहाँ जाऊँ और मेरे पीछे कुछ बच्चों के अचानक रोने और चीखने की आवाज़ आए तो यार मैं डर जाऊँगा, सीधी सी बात है। और मैं डर नहीं, वो डर नहीं रहे हैं और फिर भी अपना वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये बड़ी बात है यार, तो इसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर सवाल उठाओ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन दोनों के ऊपर ही कोई सवाल उठाओ। हाँ, आप ये दिल खोल के कह सकते हो आपकी इच्छा है, और जहाँ तक मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि यार वहाँ कुछ तो है, और ये बोलना हम लोगों का काम है, आगे तक बोलते रहेंगे कि वहाँ कुछ तो है। जब तक वो ये बोलते रहेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है तब तक आपको बोलते रहना कि वहाँ कुछ तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो यार कि आप फेक बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ये मत कहो, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं यार और दोनों ही लोग करके आए, तो किसी की मेहनत को भाई वो जाया मत करो, बस इतना ही कहना है अपने से। बाकी कुछ तो है, कुछ है ज़रूर है। इतना सा था अपना आज का वीडियो, उसके बाद आप लोग कमेंट पे बताइए भाई क्या है क्या नहीं है, क्या मेरी बातों से कितना सहमत हो नहीं हो, दोनों चीज़ें, अच्छे कमेंट देने का मन हो, गाली देने का मन हो, मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ यार, किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ, तो खुल करके बताओ। सो होप टू सी यू अगेन सलॉन्ग विद एन अदर कंटेंट नंदन वाजपेयी, मिलते रहेंगे आपसे बाहर भी और अंदर भी, यानी कि बाहर कभी एक्सप्लोर करेंगे तो ओके.